सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ 62वें दिन आंदोलित कर्मियों के आज भूख हड़ताल के दूसरे दिन सेंचुरी पेपर मिल की सबसे बड़ी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष डीएन सुवेल ने धरना स्थल पर पहुंचकर श्रमिकों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान सीपीपी वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष डीएन सुवेल ने सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए श्रमिकों की मांगों को जायज ठहराया। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्व में सेंचुरी मिल प्रबंधन के साथ समझौता हुआ था, सेंचुरी मिल में कार्यरत श्रमिकों की परीक्षा कराई जाए जिससे योग्य श्रमिकों को भर्ती किया जाए, लेकिन अचानक मैनेजमेंट बदल जाने के कारण भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। लेकिन सेंचुरी प्रबंधन मैनेजमेंट में अभी के 2 अधिकारी भी मौजूद थे, उनके साथ भी हमारी वार्ता हुई है, लेकिन सेंचुरी प्रबंधन का इस मामले पर अड़ियल रुख रहा है जिससे ऐसी परिस्थितियां बनी है जो कि श्रमिकों के हित में नहीं है। हमारे समझौते में भी था जो हमने समझौता किया है पीछे 2021 में, उस समझौते में भी ये था कि जितने ITI अंदर हैं उनको सबको अवसर दिया जाएगा एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम में जो लोग रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उनको जो है हम रोज़गार देंगे। लेकिन बीच में मैनेजमेंट बदलने के बाद में, जबकि पर्सनल के दोनों अधिकारी उस वार्ता में उस समझौते में सम्मिलित थे, इसमें इन्होंने, हमने इनको तब भी कहा कि आप सबको अवसर दीजिए, सबको तो आप रव वैसे भी नहीं रख रहे हो, क्योंकि 110 लड़कों में से इन्होंने 88 लड़कों ने पास किया, 68 को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया और 33 लड़कों को रखा है उसमें से, तो कुछ बच्चों को उन्होंने वंचित कर दिया। तो इसमें मैनेजमेंट का भी कुछ नहीं बिगड़ता और न ये परिस्थितियां पैदा होती, अड़ियल रुक रहा है इसमें। तो बातचीत हुई बीच में भी, और एक अवसर आया कि कौल साहब ने भी और पांडे जी ने भी कहा कि भाई इसका कोई समाधान खोजो, तो हमने उनसे कहा कि जब आप कोई आश्वासन देंगे उसी बेस पर आंदोलनकारियों से बात की जा सकती है। लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद में इनका रुख बिल्कुल बदल गया, तो उसके बाद में मेरी बातचीत भी नहीं हुई है और इस मैटर पर या किसी भी मैटर पर, क्योंकि हम बातचीत जब इन्होंने कहा हमको कुछ इन्होंने दिए थे वो, मैंने इन बच्चों के पास भी संदेश भेजा तो बात आगे बढ़ती, लेकिन उसी बीच उन्होंने तीसरे दिन से जो है बात नहीं की और हम भी उनके पास नहीं गए। मुझे DLC को भी देंगे, ठीक हो आप लगातार हमारी आवाज बन के जो यूनियन इनके मैनेजमेंट के कानों तक हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे हो, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। और आज नौ दुर्गा माता का दूसरा दिन है और मैं समझता हूँ कि माँ नौ दुर्गा हमसे प्रसन्न होते जा रही है, क्योंकि आज एक उम्मीद नहीं बल्कि आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास हो रहा है कि हमारे जो छोटे भाई हैं इनके साथ जो ये हम संघर्ष कर रहे हैं इसमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। क्योंकि मैं पहले दिन से ही सुयाल जी से संपर्क में था और बीच में वो थे नहीं, मैं उनके आवास में भी गया था, वो बाहर गए थे, लेकिन फिर फोन से दूरभाष से मेरा उनका संपर्क बराबर लगा बना हुआ था और उनके भी सकारात्मक रुझान था और आज वो यहाँ पर आकर के उनने ये साबित कर दिया कि हमारा पूरा क्षेत्र एक है और हमारे क्षेत्र के युवाओं की बेरोजगारों की जो लड़ाई में उसमें उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका पहले भी रही है और अभी भी रही है। हमारे इतने सीनियर लीडर ट्रेड यूनियन के जो कई जगह अध्यक्ष रहे हैं पूरे प्रदेश में, यूपी के अध्यक्ष रहे और हमारे NK कपिल साहब 83 साल की उम्र में हमको आशीर्वाद देने के लिए लगातार यहाँ बने हुए हैं और भी हमारे यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं हमारे बीच में, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी बहुत अच्छा करेगी और इन लड़कों को जो है कहीं ना कहीं पर इनको सफलता हासिल होगी।